नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्कोडा की नई रैपिड के साथ में टाटा की अल्ट्रोज को कंपेयर करने वाले हैं और दोनों ही गाड़ियों में एक ही समान धागा है जो ये वीडियो बनाने पर मुझे मजबूर करता है, जो है दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग। लेकिन उससे पहले एक अनफॉर्चुनेट चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लॉन्च करने की वजह से स्कोडा के रैपिड की वेटिंग 45 दिनों तक जा चुकी है, जिसकी वजह से डीलर्स को थोड़ी सी चर्बी आ गई है और वो कस्टमर को उतनी अच्छी तरीके से सर्विस नहीं दे रहे हैं। कई सारे कंज्यूमर्स ने और कई सारे व्यूअर्स ने ये कंप्लेंट की है, जिसकी वजह से बेहद ही दुखद होकर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि स्कोडा को शायद अच्छे दिन रास नहीं आ रहे हैं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में अगर आपके जहन में इन दोनों गाड़ियों को लेकर कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों के साथ में प्राइस भी बताऊंगा, जिस कारणवश आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको अगर अल्ट्रोज लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, या फिर अगर आप स्कोडा की रैपिड पर जाना चाहते हैं तो ऐसा क्यों करना चाहिए। क्या आपको लगता है दोस्तों कि स्कोडा की जो रैपिड है उसकी बिल्ड क्वालिटी अल्ट्रोज से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि अल्ट्रोज ऑलरेडी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर आ चुकी है। क्या आपको लगता है कि दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है वो प्राइस गैप आपको अल्ट्रोज को भूलकर रैपिड को लेने के लिए मजबूर कर सकता है? क्या आपको लगता है दोनों गाड़ियों में से अल्ट्रोज बेहतर है या फिर रैपिड बेहतर है? आपके नज़रिए से आपके लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसका मुझे हमेशा इंतज़ार होता है। और अगर आपके जहन में भी दोनों गाड़ियों को लेकर ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइस रेंज और सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सेगमेंट की जहां तक बात है दोस्तों, स्कोडा की रैपिड एक मिड साइज सेडान 4 मीटर प्लस सेगमेंट की कार है, वहीं टाटा की अल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक सब 4 मीटर सेगमेंट की कार है। प्राइस रेंज की अगर बात करें तो स्कोडा की रैपिड का जो प्राइस रेंज है वो 7,49,000 रुपीज से शुरू होकर 15 लाख प्लस तक चला जाता है। वहीं अल्ट्रोज की जो सेगमेंट है वहां पर प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5,29,000 रुपीज से और ये 9,34,000 प्लस तक चली जाती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाइट और विड्थ के मामले में अल्ट्रोज रैपिड से बड़ी है। विड्थ में ये रैपिड से 56 mm और हाइट के मामले में 57 mm ज़्यादा बड़ी है। वहीं रैपिड अल्ट्रोज से लेंथ के मामले में 423 mm और व्हील बेस के मामले में 51 mm ज़्यादा बड़ी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन्स के बारे में। तो जहां पर अल्ट्रोज में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो मात्र 86 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगा आपको 3300 RPM पर। वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 110 PS की पावर देगा 5250 RPM पर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 4000 RPM पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी के मामले में, किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। एक नज़र डालेंगे कर्ब वेट पर, जिसे जानकर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा मजबूत है। तो जहां तक अल्ट्रोज की बात है दोस्तों, इसका वज़न है 980 किलोग्राम से लेकर 1150 किलोग्राम तक। वहीं रैपिड का वज़न है 1112 किलोग्राम से लेकर 1138 किलोग्राम तक। आगे बात करेंगे दोस्तों लगे हाथों तो दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। तो अल्ट्रोज में जहां पर आपको मात्र 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं रैपिड में भी लगभग 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर मामला लगभग बराबरी का है। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के टर्निंग रेडियस पर। तो दोनों ही गाड़ियों में यानी कि अल्ट्रोज और रैपिड दोनों गाड़ियों में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहाँ पर अल्ट्रोज में आपको मात्र 37 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है, वहीं इससे कहीं बड़ा 55 लीटर का फ्यूल टैंक आपको रैपिड ऑफर करती है।
लगे हाथों दोस्तों हमेशा की तरह दोनों गाड़ियों के माइलेज की भी बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में पेट्रोल वेरिएंट में आपको 19 kmpl का माइलेज ऑफर किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो अल्ट्रोज में जहां पर आपको मात्र 345 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड लेंथ में काफ़ी बड़ी होने की वजह से, व्हील बेस काफ़ी बड़ा होने की वजह से आपको ये गाड़ी 460 लीटर का स्पेशियस बूट स्पेस ऑफर करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी व्हील्स और अलॉयज। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं, लेकिन जहां पर ये पेट्रोल का टॉप एंड वेरिएंट है अल्ट्रोज का, जिसकी वजह से ये आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करेगा, वहीं स्कोडा की रैपिड बेस वेरिएंट होने की वजह से आपको ये 16 इंचेस के स्टील रिम्स ऑफर करेगी। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स पर एक नज़र डालें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर दोस्तों। और सबसे पहला फीचर जो दोनों गाड़ियों में कॉमन मिलता है वो मिल जाता है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, आपको LED DRLs मिल जाएंगी, आपको फ्रंट फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे, आपको ऑटो हेडलैम्प का फीचर भी दोनों गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको दोनों ही गाड़ियों में 16 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन अल्ट्रोज का टॉप एंड वेरिएंट होने की वजह से ये अलॉयज में आएंगे, रैपिड में आपको स्टील रिम मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाएंगे, एंटी ग्लेयर व्यू IRVM आपको मिल जाता है, फ्रंट आर्मरेस्ट दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा, रियर आर्मरेस्ट भी आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको दोनों ही गाड़ियों में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है, 7 इंच का टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको दोनों गाड़ियां ऑफर करेंगी, साथ ही साथ में आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि AM/FM USB ऑक्सन ब्लूटूथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार कनेक्टिविटी जैसे फीचर, लेकिन जो एप्पल कार का फीचर है वो मुझे रैपिड में दिखाई नहीं देता। इसके अलावा दोस्तों हार्मन का म्यूजिक सिस्टम होने की वजह से अल्ट्रोज के म्यूजिक सिस्टम की क्लैरिटी और क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है। दोनों ही गाड़ियां आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स ऑफर कर देती हैं, क्रूज कंट्रोल का फीचर आपको मिल जाता है, डेड पेडल फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, टिल्ट पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाएगी, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियां आपको ऑफर करती हैं, रियर AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेफ्टी के मामले में दोनों ही गाड़ियां आपको ड्यूअल एयरबैग्स ऑफर करती हैं, ABS प्लस EBD आ जाएगा, रियर व्यू पार्किंग कैमरा एंड रियर पार्किंग सेंसर्स आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं स्कोडा की रैपिड में मिलने वाले कुछ गिने चुने फीचर्स के बारे में जो आपको अल्ट्रोज टॉप एंड वेरिएंट होने के बावजूद भी ऑफर नहीं कर पाती है। और सबसे पहला फीचर है, सिवाय इसके बावजूद इसके कि ये बेस वेरिएंट है, रैपिड आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग का फीचर देती है, जबकि अल्ट्रोज में आपको केवल टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर इसमें मिलेंगे, जो कि आपको अल्ट्रोज में देखने को नहीं मिलेंगे, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर आपको देखने को मिल जाता है, एंड द लास्ट इज स्टेनलेस स्टील की स्कफ प्लेट्स आपको रैपिड में मिलेगी, जिस पर आपको रैपिड की ब्रांडिंग मिलती है। अब बात कर लेते हैं अल्ट्रोज में मिलने वाले उन कई सारे फीचर्स की जो आपको रैपिड में नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स रैपिड का ये बेस वेरिएंट है और अल्ट्रोज का टॉप एंड वेरिएंट होने की वजह से ये लिस्ट काफ़ी लंबी होने वाली है दोस्तों। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो अल्ट्रोज में आपको सबसे पहला फीचर मिलता है बहुत ही स्टाइलिश सी पिलर माउंटेड आपको डोर हैंडल मिलता है, जो दरवाजे के अंदर इंटीग्रेटेड है, ब्लैक कॉन्ट्रास्ट रूफ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाएगी, 15 लीटर का मल्टी यूटिलिटी ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा जो कि कूल ग्लव बॉक्स है। उसके अलावा आगे के दोनों फ्रंट डोर्स में आपको अम्ब्रेला होल्डर्स देखने को मिल जाता है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब आपको देखने को मिल जाएगा, एम्बियंट मूड लाइट आपको अल्ट्रोज में देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ जो म्यूजिक सिस्टम आता है हार्मन का, इट इज़ लोडेड विथ टन्स ऑफ फीचर्स एंड कनेक्टेड फीचर्स दोस्तों, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा, 90 डिग्री वाइड एंगल ओपनिंग चारों के चारों डोर्स आपको अल्ट्रोज ऑफर करती है दोस्तों, मल्टी ड्राइव मोड्स के साथ में आएगी, इको एंड सिटी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली ऑटो फोल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर आपको अल्ट्रोज ऑफर करेगी, आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर भी आपको अल्ट्रोज में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एक स्मार्ट वॉच की तरह आपको स्टाइलिश वेरिएबल की अल्ट्रोज में मिल जाती है, टाटा की कई सारी गाड़ियों में अब ये आने लग गई है दोस्तों, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल का फीचर मिल जाएगा, फ्रंट फॉग लैंप्स विद अ कॉर्नरिंग फीचर आपको मिलेगा, रियर वाइपर एंड वॉशर मिलेगा, और सबसे लास्ट दोस्तों रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये फीचर्स थे जो आपको अल्ट्रोज में मिलते हैं, जिसकी प्राइसिंग रैपिड से लगभग 20,000 ज़्यादा है, लेकिन ये यहाँ पर क्लियरली उसे जस्टिफाई कर पाती है।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर अल्ट्रोज में आपको 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, वही स्कोडा की रैपिड में आपको 4 साल की वारंटी अप टू 1 लाख किलोमीटर्स, 4 साल का अनलिमिटेड किलोमीटर्स का रोड साइड असिस्टेंस, 4 लेबर फ्री सर्विस विद इन 4 ईयर्स और 60,000 किलोमीटर जिनका इंटरवल होगा 15,000 किलोमीटर या फिर वंस इन अ ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर ये जो सर्विस इंटरवल और स्टैंडर्ड 4 ईयर्स की वारंटी है उसकी वजह से स्कोडा रैपिड बेहतर हो जाती है। अब थोड़ी बात मेंटेनेंस पर भी कर लेते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि टाटा का मेंटेनेंस स्कोडा से डेफिनेटली कम है, और इस ये चीज़ सबको मालूम है दोस्तों कि स्कोडा का मेंटेनेंस काफ़ी हाई है, लेकिन उसकी कई सारे रूमर्स भी होते हैं दोस्तों। लेकिन आपको सिंपल चीज़ बता दूं कि 4 ईयर का स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर आपको मिलता है, जो कि नावडेज इंडस्ट्री में काफ़ी बेहतरीन है, और बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर ऐसा ऑफर आपको देते हैं, जिसकी वजह से स्कोडा को मेंटेन करना आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे, जो कि है प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा यहां पर वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से ली हुई हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो टाटा अल्ट्रोज के पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट की जहां तक बात है, मैनुअल में एग्जेड प्लस ऑप्शनल वेरिएंट जो है वो आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से लगभग 7,69,000 रुपीज़ का मिल जाता है। वहीं रैपिड का जो बेस वेरिएंट है जिसका नाम है राइडर, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 7,49,000 रुपीज़ का, जो कि टाटा की अल्ट्रोज से 20,000 रुपये सस्ता आता है। हालांकि जो 20,000 एक्स्ट्रा अल्ट्रोज में आप दे रहे हो उसमें आपको कई सारे फीचर्स आते हैं। तो अब ये आपको यानी कि कंज्यूमर्स या फिर व्यूअर्स को सोचना है कि आपको एक फीचर रिच कार चाहिए या फिर एक स्पेशियस कंफर्टेबल प्रीमियम ब्रांड की प्रीमियम कार चाहिए, ये आपकी राय है दोस्तों, क्योंकि पैसा आपको लगाना है। अब एक नज़र डालेंगे दोनों ही गाड़ियों की कॉम्पिटिशन पर। तो जहाँ तक अल्ट्रोज की बात है दोस्तों, अल्ट्रोज के कॉम्पिटिशन में मार्केट में गिनी चुनी गाड़ियाँ हैं, यानी कि मारुति की बलेनो, ह्युंडई की i20 और टोयोटा की ग्लांजा। ये 3 ही गाड़ियां हैं जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती हैं और अल्ट्रोज को कंपटीशन देती हैं। उसके अलावा कुछ हद तक टाटा की नेक्सॉन भी इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन ऑफर करती है। अब बात करेंगे स्कोडा के रैपिड की कंपटीशन की। तो रैपिड के अलावा इस सेगमेंट में आपको होंडा की सिटी, ह्युंडई की वेरना, फोक्सवैगन की वेंटो और मारुति की सियाज देखने को मिल जाती है। और कुछ हद तक इस सेगमेंट को किया सेल्टोस, ह्युंडई की क्रेटा, टाटा की हैरियर और एमजी की हेक्टर, ये गाड़ियां भी एक तगड़ा अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल कराती हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे ड्रॉबैक कर, क्योंकि अच्छाइयां हमने देख ली, प्राइसिंग देख ली, फीचर्स भी देख ले, तो हमारा काम बनता है कि कमियों पर भी एक नज़र डालें। और शुरुआत करेंगे अल्ट्रो से। तो अल्ट्रो का जो पेट्रोल इंजन है वो थोड़ा और बेहतर, पावरफुल और रिफाइंड होना चाहिए था। अल्ट्रोज की जो सस्पेंशन है उसमें नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों। अल्ट्रोज के स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो भी थोड़ा और बेहतर हो सकता था। उसके अलावा अल्ट्रोज की जो प्राइस है उसे भी थोड़ा और कम किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अपने सेगमेंट में ये सबसे एक्सपेंसिव कार है। उसके अलावा अल्ट्रोज आपको AMT में अवेलेबल नहीं है या किसी भी ऑटोमेटिक वेरियंट में नहीं मिलती है, ये कुछ कमियाँ मुझे लगती हैं। वहीं रैपिड की अगर हम बात करें तो रैपिड का सबसे पहला ड्रॉबैक जो मुझे लगता है और अब तक की सभी वीडियोस में मैंने बताया है, जो है इसका डिज़ाइन, ये थोड़ा सा मुझे आउटडेटेड लगता है। जब से रैपिड लॉन्च हुई तब से लेकर आज तक रैपिड का जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ है, इसे स्कोडा ने नहीं बदला है। मॉडर्नाइज और अप मार्केट के हिसाब से उसमें थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। हालांकि आज भी वो डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम, क्लासी और मैच्योर स्टाइलिंग लुक में अवेलेबल है। अगला ड्रॉबैक है दोस्तों, स्कोडा का जो डीलर और सर्विस नेटवर्क है वो इतने साल प्रेजेंस होने के बावजूद भी काफ़ी कम और लिमिटेड है, जिस पर स्कोडा को ध्यान देना चाहिए। और एट द मोमेंट स्कोडा की रैपिड जो है आपको ना तो डीजल में मिलती है ना ही किसी ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ में आती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में और बात कर लेंगे ओवरऑल कंक्लूजन पर। तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मुकाबला हुआ है दोस्तों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम किसी भी एक गाड़ी को पर्टिकुलरली क्लियर विनर साबित नहीं कर सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों का सेगमेंट अलग है, गाड़ियों के फीचर्स अलग है, इनकी खूबियाँ अलग अलग है। तो इन सभी चीज़ों पर गौर करने के बाद में कंज्यूमर्स को यानी कि आपको ये सोचना है कि अपनी ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, किन चीज़ों को आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं, उस हिसाब से दोनों में से कोई भी गाड़ी आप चुन सकते हैं। मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब में मैं अपने लिए स्कोडा की रैपिड लेना चाहूँगा, क्योंकि आपको इंजन और परफॉर्मेंस, पावर आउटपुट बेहतर मिलता है, एक बड़ी गाड़ी मिलती है, प्रीमियम ब्रांड की प्रीमियम कार है,
स्पेशियस आती है, कंफर्टेबल आती है, बेटर बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश इसका अल्ट्रोस से ज़्यादा बेहतर है। और लास्ट बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस 4 साल के स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर के साथ में आती है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये क्रेडिट जाता है रैपिड को कि मैं अपने लिए रैपिड लेना चाहूँगा। अब आपको तय करना है दोस्तों कि अपने लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अल्ट्रोस लेकर आते हैं या फिर रैपिड लेकर आते हैं। आपने अपने लिए क्या चुना इस राय का मुझे इंतज़ार रहेगा, जिसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है कि आपकी राय में इन दोनों गाड़ियों में से आज की इस वीडियो में दोस्तों कौन जीता है, उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।